रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। जिक्र की मश्क के बाद खड़े होकर दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा था। फजर का समा हो गया। चश्मों की तरफ से बेशुमार मर्द और बेशुमार औरतें कतार दर कतार खड़ी हैं। सोचता हूँ शायद आज कोई मर्तबा मिलने वाला है, ये लोग मुझे देखने के लिए आए हैं। लेकिन ख्याल आता है कि इनकी पुश्त मेरी तरफ है, ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं। मगरिब की तरफ से एक सब्ज रंग का रोजा उड़ता हुआ आ रहा है और जहाँ वो लोग जमा हैं वहीं उतर गया। रोजे में से एक नूरानी सूरत नमूदार हुई। औरतों ने देख कर झूमना शुरू कर दिया। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मर्द भी झूम रहे थे और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहे थे। अब वो बुजुर्ग मजमे से गुजर कर मेरी तरफ बढ़े, जूं जूं करीब आ रहे थे। खुशी से आंसू जारी हो गए। देखने की ख्वाहिश है लेकिन नजर ऊपर को नहीं उठती। नूर है जिसे आँखों को देखने की ताब नहीं। ना देखूं तो अरमान रहे और देखूं तो जान जाए। जब तकरीबन 10-12 फीट के फासले पर पहुँचे तो जिस्म झूमते झूमते बेकाबू हो गया और जमीन में से 3-4 फीट उठ गया, यानी हवा में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा था। मस्ती का आलम बढ़ा, बेहोशी तारी होने लगी और फिर जिस्म के जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब होश आया तो वो पूरा इलाका कस्तूरी जैसी खुशबू से महक रहा था। दूसरी शब रोजा मुबारक की हाजिरी हुई। जब दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो दीवारों से इतना नूर बरस रहा था कि आंखें ऊपर उठाई ना जा सकती थी। कुछ कदम आगे बढ़ा लेकिन ताब ना ला सकने की वजह से वापस आना पड़ा। 3 दिन बाद फिर रोजा मुबारक का दीदार हुआ। अब भी दीवारों की वही हालत थी लेकिन आँखों में कुछ ताब आ गई थी। इस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों तक पहुंच गई, लेकिन चेहरा मुबारक को ना देखा जा सका। और फिर कई दिनों के बाद आखिर नजर चेहरा मुबारक पर टिक ही गई, फिर ऐसी टिकी कि हटने का नाम ही ना लेती। मजबूरन वापसी होती और ये शेर दिल में गूंजता रहता, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्कीन वहीं रह गई।